50 पैसे का सबसे कीमती सिक्का आखिर कौन सा है और कितनी कीमत है इसकी आज की डेट में। ऐसे सिक्के पे वीडियो YouTube पे आज तक कभी नहीं देखा। 10 रुपए के ताते टोपे के जो सिक्के हैं, क्यों ये बन गए हैं वैल्यूएबल कॉइंस कलेक्टर्स में। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से एक बार लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #CGQA, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 88th एपिसोड होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में। तो अगर आपको आगे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चले जाने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में व्यूअर पूछते हैं कि इनके पास एक ऐसा सिक्का है जिसमें टाइगर ट्री बना हुआ है और ये कहते हैं कि इन्होंने इस सिक्के पे वीडियो पूरे YouTube पर कहीं नहीं देखा है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि टाइगर ट्री वाले 1947 के ऐसे क्वार्टर रूपी पे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ना हो, क्योंकि ये कोई जेन्युइन 4 आने का सिक्का ही नहीं है। जी हाँ, 1947 का ये क्वार्टर रूपी कॉइन एक प्राइवेटली मेड फेक कॉइन है। 1947 के जेन्युइन क्वार्टर रूपी कॉइन्स कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें रिवर्स में आपको केवल सिंगल लाइन नजर आता है और अवर्स में किंग जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट, जबकि इस फेक कॉइन में रिवर्स में टाइगर विद ट्री देखने को मिल रहा है और अवर्स में है बहुत ही पुअर डिजाइन का जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट, जो कि ये बताता है कि ये एक नकली सिक्का है। अब इस टाइगर ट्री की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ, आखिर ये डिजाइन कहाँ से अडॉप्ट किया जिस वजह से ये डिजाइन देखा देखा लगता है। टाइगर ट्री का ये डिजाइन हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लोगो में देखने को मिलता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस डिजाइन के जेन्युइन सिक्के भी हमें रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में देखने को मिले हैं। इनमें से पहला सिक्का था ये 50 पैसे का स्मारक सिक्का, जो जारी हुआ ईयर 1985 में RBI की गोल्डन जुबली के मौके पे, यानी कि 50 वर्ष पूरे होने पे। और इसके बाद 2010 में फिर से एक बार इसी डिजाइन में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए RBI के प्लेटिनम जुबली के मौके पे, यानी कि 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे। तो ये सभी जेन्युइन टाइगर ट्री वाले सिक्के हैं और ये सभी कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। लेकिन टाइगर ट्री वाला कोई भी सिक्का 1947 में जारी नहीं हुआ, इसलिए आपका सिक्का फेक कॉइन है। और आपके सिक्के पे रिसर्च करते हुए मुझे एक और ऐसा ही फेक कॉइन नजर आया, ये है 1952 का 4 आनाज कॉइन, इसमें भी टाइगर ट्री देखने को मिल रहा है। ये भी एक नकली सिक्का है, क्योंकि 4 आने के जो ऐसे जेन्युइन सिक्के होते हैं उनमें आपको ओवर साइड में अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, और ऐसे जेन्युइन सिक्के वर्ष 1952 में कभी जारी नहीं हुए। ऐसे जेन्युइन सिक्के 1950, 51, 54, 55 और 56 में ही देखने को मिले हैं, और ये टाइगर ट्री वाला सिक्का 1952 का सिक्का है, तो उस हिसाब से भी ये एक फेक कॉइन है। दूसरे क्वेश्चन में व्यूअर पूछते हैं कि 1957 के 50 पैसे की कितनी वैल्यू है। तो 1957 का जेन्युइन 50 पैसे का सिक्का, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सभी 50 पैसे के सिक्कों में से सबसे ज्यादा कीमती और दुर्लभ सिक्का है जो आम चलन के लिए जारी किया गया। 1957 के ये 50 पैसे के सिक्के हमें देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ मुंबई मिंट से, जैसा कि आप इस सिक्के में ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क देख सकते हैं, जो कि मुंबई मिंट की पहचान है। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 1957 से ही पहली बार शुरुआत हुई 50 पैसे के सिक्कों की, जिस वजह से इन सिक्कों में 50 नए पैसे देखने को मिलता है। हालांकि ऐसे नए 50 पैसे 1960 और उसके बाद भारी संख्या में जारी हुए, लेकिन 1957 के ये 50 पैसे के सिक्के बहुत ही न्यूनतम संख्या में सर्कुलेशन में देखने को मिले, जिस वजह से ये सिक्के आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आते हैं। गिने चुने कलेक्टर्स की ही कलेक्शन में ये 50 पैसे का सिक्का आपको देखने को मिलेगा। प्राइस की बात की जाए तो फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में ही इस एक सिक्के के लिए आपको 20,000 से 30,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और एक्स्ट्रा फाइन से UNC ग्रेड में ये सिक्का आज की डेट में 40,000 से 80,000 रुपए तक जा सकता है। जी हाँ, इतना ज्यादा महंगा हो गया है ये एक 50 पैसे का सिक्का। ध्यान दें, 1957 के इस 50 पैसे के सिक्के में बहुत से फेक फॉर्ज्ड कॉइन्स भी मार्केट में नजर आते हैं, इसलिए बाय करने से पहले असली नकली सिक्के में फर्क करना सीख लें, अच्छे से स्टडी कर लें और रिप्यूटेड डीलर से ही महंगे कॉइन्स परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में निशित सोनवाने पूछते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सर्कुलेटिंग कॉइन्स, कमेमोरेटिव कॉइन्स, प्रूफ कॉइन्स और UNC सेट कॉइन्स में। तो आइए सिंपल भाषा में सिक्कों की कैटेगरीज को समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स द्वारा दो टाइप के कॉइन्स जारी किए जाते हैं, एक होते हैं सर्कुलेटिंग कॉइन्स और दूसरे होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स।
सर्कुलेटिंग कॉइन्स का मतलब होता है ऐसे सिक्के जो आम चलन के लिए जारी किए जाएं, यानी कि जो सिक्के मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लेन देन के लिए यूज करते हैं उन सिक्कों को कहते हैं सर्कुलेटिंग कॉइन्स। अब इसमें फर्दर दो टाइप के सिक्के आते हैं, एक होते हैं डेफिनेटिव कॉइन्स और दूसरे होते हैं कमेमोरेटिव कॉइन्स। डेफिनेटिव कॉइन्स रेगुलर कॉइन्स होते हैं जिनमें सिंपल डिजाइन होता है और अधिकतर एक ही टाइप का डिजाइन हमें कई वर्षों तक देखने को मिलता है, बस उनमें ईयर ही चेंज होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेटिव कॉइन्स जो हमें 2011 से 2019 तक देखने को मिले। अब दूसरे टाइप के सर्कुलेटिंग कॉइन्स होते हैं कमेमोरेटिव कॉइन्स, यानी कि स्मारक सिक्के। ये सिक्के वो सिक्के होते हैं जो किसी फेमस पर्सनैलिटी या हिस्टोरिकल इवेंट की याद में निकाले जाते हैं। ऐसे सिक्कों में आपको पर्सनैलिटी का पोर्ट्रेट या फिर इवेंट की डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है और ये केवल एक ही बार निकाले जाते हैं जब उस इवेंट की वर्षगांठ हो या फिर कोई पुण्यतिथि हो उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ऐसे कई स्मारक सिक्के आपको आम चल में देखने को मिल जाएंगे और आपने जरूर देखे भी होंगे। अब ये तो हुई सर्कुलेटिंग कॉइन्स की बात, अब दूसरी कैटेगरी आती है नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स की। इसमें आते हैं वो कॉइन्स जो कलेक्टर्स, VIPs, टॉप डिग्निटरीज के लिए स्पेशल इशू किए जाते हैं। नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स में आते हैं VIP सेट्स, प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स। ये सभी सिक्के कभी भी आम चलन के लिए जारी नहीं किए जाते। हाई क्वालिटी के सभी सिक्के होते हैं विद मिरर फिनिश और प्रॉपर पैकिंग में नजर आते हैं। VIP सेट्स यूजली सिक्कों के लॉन्च के दौरान आए VIPs और टॉप डिग्निटरीज को दिए जाते हैं। प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स लिमिटेड क्वांटिटी में मिंट्स द्वारा कलेक्टर्स बुकिंग के लिए ऑफर किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए और इनके प्राइस जनरली हायर होते हैं 3,000, 4,000, 5,000 रुपए के करीब। इन सभी सेट्स में ज्यादातर हाई डिनोमिनेशन के स्मारक सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए और इनमें 50% या फिर उससे ऊपर की सिल्वर की मात्रा पाई जाती है जिस वजह से ये महंगे सिक्के होते हैं। तो प्रूफ सेट्स UNC सेट्स को अगर आप डायरेक्ट मिंट से बुक करना चाहते हैं तो इसको हमने डिटेल में समझाया अपने पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यूअर पूछते हैं कि 10 रुपए के तातर टोपे का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का जो सिक्का है जिसमें डाई रोटेशन 3.5 o'clock है, इसकी क्या मार्केट प्राइस है आज की डेट में। तो सबसे पहले तो यहां मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि तातर टोपे के 10 रुपए के सिक्के अधिकतर हमें सेट्स में देखने को मिलते हैं, यानी नॉन सर्कुलेटिंग फॉर्म में। लेकिन बहुत ही कम ऐसे तातर टोपे के 10 रुपए के सिक्के हैं जो सर्कुलेशन में नजर आए और ये सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स जारी किए गए थे कोलकाता मिंट द्वारा, इसलिए हमें इनमें कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है जो कि कोलकाता मिंट की पहचान होती है। तातर टोपे के 10 रुपए के ये सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स आज की डेट में वेरी रेयर कैटेगरी में आते हैं और इसके बारे में ही व्यूअर ने सवाल पूछा है। और रही बात रोटेशन एरर की, तो इन सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स में तातर टोपे के जो है इनमें ज्यादातर रोटेशन देखने को मिला है, कई सिक्कों में 3 o'clock, कई में 6 o'clock। अब प्राइस की बात करें तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिनिमम वैल्यू इस सिक्के की रेंज करती है 3,000 से 4,000 रुपए के करीब और UNC ग्रेड में ये सिक्का आज के रेट में 6,000 प्लस जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यूअर पूछते हैं इनके पास 1835 का सिल्वर विक्टोरिया क्वीन का कॉइन है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर कॉइन है। दिलकश, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि किसी भी सिक्के के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वीन विक्टोरिया के सिक्के हमें 1840 और उसके बाद देखने को मिले हैं। वर्ष 1835 में विलियम फोर के सिक्के नजर आते थे, तो जो भी ऐसे सिक्के 1835 के क्वीन विक्टोरिया के आपको मार्केट में मिलते हैं वो सभी प्राइवेटली मेड फेक कॉइन्स है, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नवाब इकबाल पूछते हैं कि 1919 के जो जॉर्ज फाइव के 8 आना कॉइन्स हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो 8 आना कॉइन्स एक बहुत ही स्पेशल सिक्का है ब्रिटिश ने कॉइन्स में, क्योंकि ये एक स्पेशल डिनोमिनेशन कॉइन है जो केवल 2 वर्षों में ही देखने को मिला, एक 1919 में और दूसरा 1920 में। और यहाँ पे व्यूअर 1919 के 8 आनास के सिक्के के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1919 का 8 आनास कॉइन 2 मिंट से जारी किए गए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट। रियलिटी की बात करें तो दोनों मिंट से जारी किए गए 1919 के 8 आनास कॉइन आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। इस सिक्के की आज की डेट में वैल्यू 4,000 से 7,000 रुपए के करीब है फ्रॉम वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और UNC कंडीशन में ये 8 आनास कॉइन 10,000 रुपए से भी ऊपर की कीमत में जा सकता है। और हाँ, ध्यान दें, 8 आनास कॉइन में बहुत सारे फेक कॉइन्स मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो आपको उनसे बच के रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अली पूछते हैं कि इनके पास 2017 के 5 रुपए के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के हैं, तो ये इनके बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर कॉइन्स हैं। तो अली ने अपने 5 रुपए के इन सिक्कों की इमेजेस शेयर की है जिन्हें आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ अली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 2017 के ये चारों 5 रुपए के सिक्के ना तो कोई रेयर सिक्के हैं और ना ही फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल वाले कोई रेयर OMS कॉइन्स, ये सभी प्राइवेटली मेड फेक कॉइन्स हैं। पुअर अशोक स्तंभ डिजाइन और सिक्कों में लगा जंग इस बात को अच्छे से क्लियर करता है।
अली ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास नकली सिक्के ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप के 5 रुपए के नकली सिक्के आपके पास 4 आ गए हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सभी सिक्कों में ईयर 2017 है और मिंट मार्क नोएडा का डॉट यूज किया गया है। इससे पता लगता है कि ये सभी फेक कॉइन्स का सोर्स एक ही है, तो प्लीज फेक कॉइन्स को समझे और उनको बाय करने से बचें। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको सिक्कों से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे Q&A में अपने क्वेश्चंस के जवाब, तो जरूर आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन इसके लिए आपको फॉलो करने होंगे CGQA रूल्स। तो इन रूल्स को आप स्क्रीन पे फटाफट से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्ट्रिक्टली अपने क्वेश्चंस को इन रूल्स के हिसाब से पोस्ट करें और आने वाले Q&A वीडियोस में हम जरूर आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज के Q&A पसंद आया है, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम जल्द लेकर आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।